जनपद मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में चौकी की बस्ती से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक तांत्रिक ने अपने भाई की पत्नी की नाक काट दी। घटना की जानकारी लोगों ने पीड़िता के पति को दी। पीड़िता के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई उनसे दूर रहता है और तांत्रिक का काम करता है, जिसके कारण परिवार ने उसे बेदखल कर दिया है। इसी बीच वह घर आया तो उसने जाने को कहा, लेकिन उसने घर में रुककर चाय की मांग की और खाना खाने को कहने लगा, जिससे उन्होंने अपनी पत्नी से खाना खिलाने के लिए कहा और खुद घर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जिसके कुछ ही देर बाद उसके पड़ोसियों ने फोन कर घटना की जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा था, एक मतलब मैं तो दिल्ली जा रहा था सुबह, ट्रेन का टिकट भी मेरे पास पड़ा है, तो आगे बाद में ये बोला कि मैं नंदू चाय बाय पी के चला जाऊंगा। मैंने इसे चाय बाय दे दे, कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। तो मुझे ये थोड़ी पता है ये नाक काट देगा, ना तो मैं जाता ही नहीं। मैं तो आपसी तो इन्होंने फोन करा पड़ोसियों, तब मैं भाग कर आया वहाँ से। नाक क्यों काटने की वजह क्या कुछ पता है? जो कह रहा है मुझे दूध ना दिया, दूध गर्म करवा रहा था, दूध को मना कर दी, तब नाक काट दिया था। तो हो नहीं सकता क्योंकि दूध की वजह से नाक काटे। मेरे बच्चे इतने गऊ हैं कि दूध का आपको पता ही है। ये सुबह 6:30 बजे एक सूचना आई थी कि एक महिला की नाक पे वार किया गया है। बाद में पता किया गया तो उसके जो देवर है कृपानंदन, उसके द्वारा कोई दूध को लेके आपस में विवाद हो गया, दूध देने को लेके। तो उस पर उसने आक्रोश में आके एक जो छुरी होती है, चाकू होता है, उससे उसकी नाक पे वार कर दिया। ये सुबह 6:30 बजे की घटना है। उस समय पति काम के लिए घर से बाहर था। इसमें अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। क्या इससे पहले भी कोई विवाद की बात सामने आई है? नहीं, इससे पहले अभी तक कोई ऐसी कोई विवाद की बात सामने नहीं आई है। इसकी तफ्तीश की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। महिला की स्थिति क्या है? महिला की स्थिति स्टेबल है, ठीक है। इस समय उसका फर्स्ट एड कराया जा चुका है।